अपनी जिंदगी का हर वो लम्हा जो मेरी दस्तरस में आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं, आपके ख्वाब क्या हैं और आपकी ख्वाहिशों की हद क्या है, ये सब जानने में मैं कोई दिलचस्पी नहीं रखती। मसला खासियान की एब्सेंस नहीं, उसकी इग्नोरेंस का है। अरे मुझे लग रहा था काम का बर्डन है इसलिए वो ऐसा कर, पर ऐसी बात नहीं है, बात कुछ और। मारी और उसकी शादी फिक्स हो चुकी है क्या? उसे दुख देकर तुम खुश रह सकोगे? हम उसको तुम्हें अब शादी के बाद भी खुश नहीं रख सकते। एक कप ही क्यों? अब हम दोनों एक कप में कॉफी पीने से तो रहे। मैंने दो कप कॉफी बनाना छोड़ दिया क्योंकि हम दोनों की टाइमिंग्स जो अलग अलग हो गई। क्या बुरा मना, उसको कौन सा कोई बारात लेके दूसरे शहर जाना। अच्छा सुनो, मैंने ना कार्ड्स पसंद कर लिए, एक फाइनल कर लिया। तो वो तुम्हें भेजती है निंदा अभी तस्वीर, तुम फौरन देख कर और बताओ मुझे क्या, देर मत लगाना। अरे गाजियान आओ ना बेटे, आ जाओ। वहां क्यों खड़े हो, बैठो आके आओ। देखो मैंने कार्ड पसंद किया है और ये वाला तो मैंने साइड पे रख दिया था, मुझे पता था तुम्हें ये डिजाइन पसंद आएगा। सुन, मेरा फॉर्मूला कामयाब है ना, अब ये जो नो लिफ्ट वाला साइन बोर्ड है इसकी लाइट्स को शादी तक ऑन रखना। हर चीज हमारे हाथ में होती तो क्या बात होती। गाजियान इस दफा जो होगा हमारी मर्जी से होगा। ये क्या सबा, तुम भी दुश्मनों के कैंप से जा मिली? बिल्कुल, और दुश्मनों के कैंप से फायरिंग भी हो सकती है और बड़ी धुआंधार किस्म की, इसलिए बच के रहना। हाँ, मैंने बच के रहने का प्लान बनाकर छोड़ दिया, मैं फायरिंग में हलाक होने को तैयार। ये कैसी बातें कर रही है, हमारे दुश्मन हलाक। अच्छा ये बताओ कि शाम को तुम्हारे पास वक्त होगा? मैं चाह रही थी हम बैठ के तुम्हारी शादी के वेन्यू मेन्यू दोनों डिस्कस कर लेते। वलीमे का तो एक ही होगा खाना, लेकिन निकाह तो अलहदा अलहदा है, वो हमें डिस्कस करना है। पप्पू एक्चुअली आज मैं घर पे नहीं हूँगा, ऐसे भी आपको अनस का इंतज़ार कर लेना चाहिए, उसकी शादी है, पता नहीं उसने अपनी शादी के लिए क्या क्या सोचा होगा। प्लीज़ उसकी एक्साइटमेंट ख़राब ना करें। शादी तो तुम्हारी भी है ना बेटा, तुम क्या चाहते हो तुम बताओ। हैं, मैं जो चाहता हूँ मैं आपको जरूर बताऊंगा, ऐसे भी मुझे अभी शादी की जल्दी नहीं। एक एक साथ ना लिखा तेरा, बिन तेरे होण की रया मेरा, जीण मरण दे जोगी ढोला ना रहिया,
दिंदिया ताने मैनू सैया सैया में ढोला दिंदिया ताने मैनू सैया। देखो गुल, अगर हम पुरानी बातें दोहराने बैठ जाए तो फिर उन्हें समेटना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम गाजियान को समझाओ, उसे बताओ कि रेत को हाथ में नहीं पकड़ते, ये एक लाहासल ख्वाहिश है। वो इसके पीछे भागेगा तो बहुत सारे रिश्ते टूट जाएंगे, और रिश्ते तोड़ने से खुशी नहीं मिलती। ये भी तुम समझाओ उसे। भाईजान आपका क्या ख्याल है, मैंने उसे समझाया नहीं होगा? आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की। वो यहां मुझे मिलने भी आता था तो मैंने कभी खुलकर अपनी खुशी का इजहार नहीं किया। फिर मैं कैसे उसको ये मुश्किल रास्ता दिखा सकती? और वो अब्बास की बेटी, क्या वो भी इस रिश्ते में इंटरेस्टेड है? गाजियान किस भरोसे पर इतनी दूर तक निकल गया? नहीं नहीं जुबारिया, बिल्कुल इस किस्म की लड़की नहीं है, वो इस रिश्ते में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो बच्ची मेरे हाथों में पली बड़ी है, मैं उससे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उसने कभी गाजियान की हौसला अफजाई नहीं की। गाजियान गलत कर रहा है, वो यक तरफा जज्बे को रिश्ता बनाना चाहता है। उसे निम्रा की खुशी, उसकी ख्वाहिश का कोई एहसास नहीं है, और ये उसकी खुदगर्जी है। मैं उसे ये सब नहीं करने दूंगा। भाईजान आपके लहजे और आपकी आंखों में मेरे लिए इतनी बदगुमानी क्यों? आपको लगता है मैं उसकी हिमायती हूँ? या मैं आपको और जकिया को कोई सबक सिखाना चाहती हूँ? या मैं अपनी किसी हद तक का बदला लेना चाहती हूँ? भाईजान ऐसी कोई बात नहीं, जिस रिश्ते को आप मसलहतन भूल गए थे, मेरी माँ ने मुझे मरते दम तक उसकी लाज रखना सिखाया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं जो तुम सोच रही हो। मैं ये सारी बातें जकिया के साथ भी कर सकता था, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल की उलझने बताने आया हूँ, तो कुछ सोच कर ही आया हूँ। मुझे यहाँ मेरा भरोसा लेकर आया। भाईजान बरसों पहले भी आप मुझसे वो मांगने आए थे जो मैं आपको नहीं दे सकी थी, और आज फिर आपने मुझे वैसे ही इम्तिहान में डाल दिया। मैं फिर जकिया की नजरों में गुनाहगार ठहरने वाली, इसका तो मुझे पूरा यकीन है। वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा, इस बात को मुझे यकीन है। मैंने जकिया के साथ किए हुए हर वादे की लाज हमेशा रखी है, उनमें से आज अगर एक वादा तोड़ा है तो मैं एक नए समझौते की राह पर चलना चाहता हूं। तुम्हें मेरी मदद करना होगी। और अगर गाजियान ना माना तो? तो फिर एक और रिश्ता भी टूट जाएगा, और वो बाप बेटे का रिश्ता होगा। चिप्रा, पानी, पानी।
बीबी गुल, बीबी गुल। जी हेलो। जुबारिया, माना कि आप बहुत जिद्दी हैं, लेकिन बेवक़्त की जिद नुकसानदेह हो सकती है। फिर रोने मत बैठ जाइएगा, बीबी गुल अस्पताल में है, इमरजेंसी है, मैं उधर जा रहा हूँ उनके पास। आपने मेरे साथ चलना है तो बताइए। क्या हुआ बीबी गुल को? वो तो बिल्कुल ठीक थी, मेरी आज ही सुबह उनसे बात हुई है। ये वक्त नहीं है इन बातों का। मैं आपको पिक करूँ, आप मेरे साथ चल रही हैं कि नहीं? नहीं प्लीज, आप जाएं, मैं खुद ही आ जाती हूँ। ठीक है, आप आ जाइए, मैं निकलता। मैं भी साथ चलूंगी, मैं भी गुलबीबी के पास जाऊं। आज नहीं, ऐसा पप्पो को फेस नहीं कर सकता। पता नहीं मुझे उधर कितनी देर लग जाए। उनकी तबीयत बहुत खराब है, उसको हार्ट अटैक हुआ है, पता नहीं किस हाल में होंगी वो। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम क्यों मुझे खुद से दूर जाते हुए नजर आ रहे हो? तुम्हें मेरा साथ चलना अच्छा नहीं लगा, और तुम सुबारिया को ये ऑफर कर रहे थे। इनायत ड्राइवर भी आउट ऑफ सिटी है, कल आएगा, अब क्या करें? कैब पे चली जाऊंगी, अब जाना तो है ही। गुल मामी कॉल उठा लेती तो थोड़ा सुकून आ जाता, क्या करूं? जुबी, मौसम खराब है और फिर पब्लिक कैब का क्या भरोसा, फिर रात हो जाएगी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रुको, मैं किसी दूसरे कैब स्टैंड पे कॉल करती हूँ, कोई तो हो जानने वाला। हेलो। हेलो जुबारिया जी, मैं बस निकल ही रही हूँ, आपकी बात हुई गुल मामी से? वो ठीक तो है ना? मैं पार्किंग में आपका वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। मैं खुद चली जाऊंगी, आपने क्यों ज़हमत की? जुबारिया, आपके टैंट्रम्स मुझे बिल्कुल इंप्रेस नहीं करते। अगर अब आपने इनकार किया तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा और उठा के ले जाऊंगा। ये वही है ना जिसको तुम हर वक्त डांटती रहती हो, केयर करता है तुम्हारी इसलिए इतनी बकबक सुन लेता है, कदर करो इसकी, चली जाओ। और वो कहते हैं ना, जब मंजिल एक है तो रास्ते अलग करने का फायदा। प्लीज मेरा कमरा ठीक कर देना।
आओ बेटा। मामू कुलबी भी हॉस्पिटल में है, उनको अटैक आया है। ये कैसे हो सकता है, क्या कह रही हो तुम? अभी तो मैं वाजियान भी वहीं गया, मैंने उसे कहा था कि मुझे साथ ले जाओ मगर वो नहीं माना। वो मेरा मोबाइल रखा हुआ है। आपको उनकी इतनी फिक्र है तो आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? इसकी वजह मामा है या कोई और बात है? क्या ये एक वजह काफी नहीं? अगर मैं ज़किया को नाराज कर दूं तो क्या गुलज़ेब खुश हो जाएगी? कभी नहीं। एक वक्त में सिर्फ एक फर्द को ही खुश किया जा सकता है। तमाम लोगों को खुश करने की अगर हम कोशिश भी करेंगे तो हो सकता है कि कामयाब ना हो। आप ऐसा सोच सकते हैं मगर खाजियान तो ऐसा नहीं सोचता। इसके लिए गुलबीबी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है, शायद मैं भी नहीं। तुम्हें खुश रखने के लिए तो सब तुम्हारे साथ है। अच्छा ठीक है, हम गुलज़ेब के पास चलेंगे, इतना हक तो है ना उसे। वाजियान कहाँ चला जाता है? सारे के सारे कार्ड वैसे ही रखे हुए और कहीं गायब हो गया है। अजीब ही लड़का है ये। कुलबी भी हॉस्पिटल में है। वाजियान वहीं गया है। तुमने मेरी सारी जिंदगी की मेहनत को आग के दाने पे रख दिया है। कौन है वो जिसकी वजह से तुम्हें निमरा के साथ झूठ की जिंदगी गुजारना पड़ती? बताओ कौन है वो? कौन है वो जो मेरी निमरा की जगह लेना चाहती है? बोलो। तो फिर तुम भी मिल आई अपनी गुलज़ेब आंटी से, बस यही कसर बाकी रह गई थी। तुम लोग मेरे खिलाफ जो महाज खड़ा कर रहे हो इसका कोई फायदा नहीं होगा। शुरू शुरू में तो बड़ी हमदर्दियां होंगी गुलज़ेब आंटी के साथ, लेकिन जब अपना असली रंग रूप दिखाएंगी तो फिर पता चलेगा। वो मैंने तुम्हारा पश्मीना का जोड़ा रखा हुआ है अलमारी में, उस पे काम करवा लेना। सबा को साथ लेकर चली जाना बाजार, सुन रही हो? नहीं सुन रही हूं और ना ही कुछ सुनना चाहती हूं। आग लगा दे इन सब चीजों को। यहां पे वो जो मासी आती है
उसे दे देना, उसकी बेटी की भी शादी होने वाली है, किसी गरीब का भला हो जाएगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा या कोई नया दौरा पड़ने वाला है आज? हाँ हो गया है मेरा दिमाग खराब, पागलपन का दौरा पड़ा है मुझे, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप क्यों इस खुशफहमी में? क्या आपका गाजियान मुझसे शादी करेगा? आप बकवास कर रहे हो? गाजियान तुमसे नहीं शादी करेगा तो किससे करेगा? ये कोई नई बात नहीं है, तुम 7 साल की थी तो मैंने ये रिश्ता तय किया था। ये तो गलत किया था आप, लोग कोई काम ढंग का नहीं कर सकते। जज्बाती बातें हैं सब, ना सोचते हैं ना समझते हैं। बचपन में रिश्ता पक्का करते थे, जब बचपन की यादें धुंधला जाती हैं रिश्तों की कोई हैसियत नहीं रहती। देखे ना मम, आज़ियान का कुछ नुकसान नहीं, जो हुआ मेरा। क्या बोलती जा रही, नुकसान हुआ? क्यों हुआ तुम्हें गाजियान? मेरा दिल बैठ रहा है, साफ साफ बताओ क्या बात? एक ही बात, सीधी और साफ। जिस शादी के कार्ड्स को आप फाइनल करके बैठी हैं, गाजियान वो शादी कभी नहीं करेगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मामा ये बकवास नहीं, सच है। गाजियान मुझसे शादी नहीं करेगा, मुरव्वत में भी नहीं, मोहब्बत तो दूर की बात। मामा प्लीज, आप गाजियान से मेरी खुशियों की भीख मत मांगिएगा। उसे अपने एहसान और मेरा नुकसान याद मत करवाइएगा। ये उसकी जिंदगी, बचपन का रिश्ता, नफरत हो गई है मुझे इससे। मैं करती हूँ गाजियान से बात, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने हमेशा हमेशा मेरे हर फैसले का एहतराम किया है। मामा ये उसकी जिंदगी का फैसला है, वो अपनी जिंदगी को कोई गैजेट नहीं समझता, जिसे लेने के लिए वो आपकी परमिशन लेगा। बड़ा हो गया है वो, जब हम बड़े हो जाते हमें बचपन के रिश्ते समझ भी नहीं आते। ऐसा कुछ गलत भी नहीं है, काश आपने मेरे जहन में ये रिश्ता ना डाला तो मैं भी आज गाजियान की तरह सोच रही हूं। जल्दी करो यार, बन गई है चाय तुम्हारे गाजियान भाई की। हाँ जी यार। खलील तू ऐसा करके मेरी एक शर्ट प्रेस कर दे, गाड़ी में एक बैग पड़ा उसमें पड़ गया। खलील सूप बन गया, प्लीज इसे पैक कर लो, हमें अभी फौरन निकलना है। सबारिया मैं आपसे एक बात करनी है। इतनी देर आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितनी अजीब बात है, आपसे मेरी इग्नोरेंस भी नहीं बर्दाश्त हो रही। हमें मिले हुए अभी चंद ही तो दिन हुए हैं, और उस लड़की का क्या गाजियान जो आपके साथ हमेशा रहने के ख्वाब देखती है, जो आपको हमेशा महसूस करती है अपने साथ? दुबारी आप नम्रा को लेकर ओवर सेंसिटिव हो रही हैं, और आपको होना भी चाहिए। लेकिन जिस रिश्ते की आप बात कर रही हैं, मैंने उसको बुनियाद बना के कभी निम्रा से कोई वादा नहीं किया। वो मुझ पे बेवफाई का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। हमें मानता हूँ कि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, शायद मैं उससे शादी भी कर लेता, लेकिन मैं आपसे ना मिला। प्लीज गाजियान, आप मुझे इस तरह ह्यूमिलिएट ना करें।
मुझे इंसल्ट फील हो रही है। एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का ख्याल करना, ये सब शादी के लिए काफी है गाजियान। मेरे लिए काफी नहीं है तो? आपकी जिद, आपको मुबारक हो, लेकिन मुझे इस मसले से दूर रखें। मैंने निम्रा से वादा किया था कि आप कभी उससे दूर नहीं जाएंगे। अगर आपको मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल है ना, तो प्लीज वापस पलट जाएं। मैंने आपसे कहा था ना, पलटना मेरी नेचर में नहीं। और आप अपने दिल से पूछ के देखें, अगर मैं पलट गया तो आप खुश रह पाएंगे? ज़ियान ने तो मेरी ये हालत कर दी है कि मेरा दिल चाहता है मैं किसी अंधेरी कब्र में उतर जाऊं और अपने ऊपर मिट्टी डाल लूं। क्या हो गया ज़किया? ऐसी बातें तुम्हें जेब नहीं देती। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुमने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया था? जेब, ये गुल जेब है, ये उसी का खड़ा किया हुआ फसाद है। मेरा वहम नहीं है ये, मैं आपसे सच कह रही थी। देखिए, नहीं है मेरा वहम। उस औरत ने हमारी माँ का हक मारा था, ये उसके खून में है, वो मुझे कभी सुकून से नहीं रहने देगी। इंसान अपने असल से कभी भी अलहदा नहीं होता भाईजान। तुम इत्मीनान रखो, हमने गाजियान को हर बात की आजादी दे रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो कहेगा हम वो मान लेंगे। उसे आने दो, पता नहीं उसके जहन में ये ख्याल कैसे आ गया। वो इतना बेहस और खुदगर्ज तो नहीं है। आने दो उसे, पूछता हूँ उससे। उसकी और निम्रा की शादी उसी डेट पर होगी जो तुमने सोच रखी है। मगर ये मनहूस लड़की है जो मेरी निम्रा की जगह लेना चाहती है। के भाई जी, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अगर मेरी निम्रा को कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं इस घर को आग लगा दूंगी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं और मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझसे किसी सब्र की उम्मीद मत रखना। अच्छा ठीक, बट वो दिल में आया कर लो, अपने आप को हल्का मत करो। तुम बैठो, वो आएगा तो बात कर लेंगे उससे। भाईजान, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, निम्रा की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। उसकी जिंदगी गाजियान से शुरू होकर गाजियान पे खत्म हुई तो हमारा फैसला था ना। गाजियान को भी कोई एतराज नहीं था तो फिर अब उसको क्या हुआ है? अब क्यों उसकी नीयत बदल गई है? प्लीज बुलाएं आप उसे, इससे पहले कि मैं वहां चली जाऊं। आप उसे बुला लें जल्दी। अच्छा अच्छा, बुलाता हूँ। लो पानी पियो, लो प्लीज प्लीज, शाबाश। निम्रा, निम्रा, क्या हालत बनाई हुई है? तुम गायब, तुम्हारा फोन बंद, सुबह से कॉल कर रही हूँ यार, आखिर हुआ क्या है? उधर आंटी भी गुस्से में बैठी हैं। उफ, अब कुछ बोलोगी? गाजियान कहाँ है? उसने क्या कहा? उसने वही कहा जो इतने दिन से मेरा दिल कह रहा था। मैं तुमसे कहा था ना, मुझे जानबूझकर इग्नोर कर। उसके इग्नोर करने की वजह मैं जान गई हूँ। कल रात देख कर आ रही, काश मैं वहां ना जाती।
किस वजह से इग्नोर कर रहा है? मेरा मतलब कौन है वो? सुबारिया, मेरी पुप्पो की बेटी सुबारिया बास, और वो बहुत प्यारी है, बहुत इनोसेंट है। मैं खुद उसे देखकर हैरान हो गई थी, बस उसे देखती रही। बताया आसियान को भी उसकी आंखें अच्छी लगी होंगी। वो बस मासूमियत से देखती रहती, सब कुछ तो उसकी आंखें भूल जाती हैं। निम्रा निम्रा कुछ होश करो, क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? वो लड़की काजियान पर कब्जा करके बैठ गई है और तुम्हें मासूम लग रही है। चुड़ैल है वो एक नंबर की। मेरा बस चले तो मैं उसकी आंखें नोच लूं और मुंह भी। हिम्मत कैसे हुई उसकी? हद होती है बेशर्मी की। कितनी अजीब बात, मुझे उस पर गुस्सा ही नहीं आया। वो खुद चलकर मेरे पास आई, से बात की। उसने मेरे साथ हमारे रिश्ते की लाज भी रखी यार। मुझे कहा कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ नहीं। उफ मेरे अल्लाह, जब ऐसा कुछ नहीं है निम्रा तो तुम क्यों रो रही हो? हसीन की वजह से हमारा प्यार, हमारी दोस्ती, हमारा एतबार कुछ भी इस लायक नहीं था। वो एक बार मुझसे शेयर तो करता, जब अपने दिल की बात बताता मैं सुन भी लेती, फिर नहीं बताया उसने। निम्रा निम्रा रो तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? बहुत बेहतर हूँ, थैंक यू। वैसे अब मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, रुकने की जरूरत भी नहीं है। आप अल्तमश का भी फोन आया था, वो पूछ रहे थे आपका। मैंने उनसे कहा था कि आप जैसे ही ठीक होंगी मैं आपकी बात करा दूं, और उन्होंने खास ताकीद की थी कि जब आप घर जा रही हो तो मैं आपका सामान बांध के आपको अपने घर ले चलूं, अकेले नहीं रहने दूं। फिर उन्होंने कहा था कि अगर आप जिद करेंगी तो मैं अपना सामान बांध के आपके साथ चलूं। हाँ, ये दूसरी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बैठ जाओ जकिया, बैठ जाओ। पहले ही तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। कैसे बैठ जाऊं भाईजान, मुझे तो एक पल के लिए भी चैन नहीं। क्या औलाद को इसी दिन के लिए पैदा किया जाता है, उससे मोहब्बत की जाती है कि वो हमारी इज्जत का जनाजा निकाले? ठीक कहती हो, औलाद को तो हक है वो जो मर्जी कहे। माँ बाप की मजबूरी ये है कि वो अपनी बात नहीं मनवा सकते। सच कहते हैं लोग, जब औलाद बड़ी हो जाए, खुद मुख्तार हो जाए, तो उस पर इख्तियार नहीं रहता। गलती शायद मेरी है कि मैंने गाजियान पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। बस शादी के कार्ड ही बटना बाकी थे, वरना तो सारी दुनिया को पता है मेरी निम्रा का क्या बनेगा।
लोगों को क्या जवाब दूंगी, बरादरी से क्या कहूंगी कि क्या बनेगा निम्रा का, मेरी निम्रा का क्या कसूर है भाई साहब? किसी को कुछ कहने की क्या जरूरत है फप्पू? ये हमारा घर का मामला है, हम अपने घर की बातें दूसरों को क्यों बताते हैं? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती। तुम अपनी समझ अपने पास रखो, तुम्हें किसी की परवाह है? तुमने कौन सा घर की बेटी या घर की इज्जत का ख्याल रखा है? मैं सच ना बोलता बाबा, एक झूठी जिंदगी गुजारता रहता, वो ठीक था? कौन सा सच गाजी हां? तुम मेरा दिल नहीं जला रहे, तुमने मेरी सारी जिंदगी की मेहनत को आग के दाने पे रख दिया है। कौन है वो जिसकी वजह से तुम्हें निम्रा के साथ झूठ की जिंदगी गुजारना पड़ती? बताओ कौन है वो, कौन है वो जो मेरी निम्रा की जगह लेना चाहती है? बोलो। सुबारिया से शादी करना चाहता हूं, सुबारिया बास। सुबारिया निम्रा को लेकर ओवर सेंसिटिव हो रही है और आपको होना भी चाहिए, लेकिन जिस रिश्ते की आप बात कर रही हैं, मैंने उसको बुनियाद बना के कभी निम्रा से कोई वादा नहीं किया। वो मुझ पर बेवफाई का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हमें मानता हूँ कि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और शायद मैं उससे शादी भी कर लेती, अगर मैं आपसे ना मिला। जुबारिया यार क्या हो गया है, तुम सोई नहीं अभी तक? क्यों परेशान हो इतना, सब ठीक हो जाएगा। तुमने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, फिर तुम्हें किस बात की टेंशन है? चलो सो जाओ, सुबह हॉस्पिटल का विजिट है। लेट जाओ। बाबा, 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 बाबा मुझ पे गुस्सा कर लीजिए, जो कहना है कह दीजिए, मुझे डांट लें, पर प्लीज मेरे साथ एक दफा बैठ के बात तो कर लें। बाबा, 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 निम्रा एक बहुत समझदार लड़की है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझती है, उसको पता है हम दोनों का साथ मुमकिन नहीं है। बाबा, बाबा प्लीज समझिए, बाबा प्लीज, आप थक गए हैं, रुक जाइए बाबा, बाबा ऐसे नहीं करते।
सुबारिया सुबारिया, तुम्हारी कोई खौफनाक किस्म की आंटी आई है। जकिया नाम है उनका। ऐसे इन्वेस्टिगेट कर रही जैसे तुम उनके जेवर चुरा के भागी हो। I'm sorry यार, तुम किसी के जेवर चुरा के क्या करोगी, मगर उनका स्टाइल बिल्कुल ऐसा ही था। ऐसी जिंदगी जिसका हर लम्हा आप जीना चाहते हैं बाबा, मैंने वो सब कुछ जुबारिया के साथ फील किया है। खसियान, इस दुनिया में कोई आखिरी लड़का नहीं है जिसके लिए तुम इतना तड़प रही हो। मेरी दुनिया तो उसी पर खत्म थी मामा। खसियान के ख्वाब देखने छोड़ दो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी निम्रका है। आप किससे शादी करना चाहते हैं और किससे नहीं, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। शादी करना चाहता हूँ मैं उससे, अगर निम्रा इस घर की पहुंचे तो फिर कोई भी नहीं। Mainu saiyan.